नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक मार्च 2023 का अवलेखीकरण। इस बैठक का आयोजन 29 तारीख को निर्धारित कर दिया गया है, प्रत्येक माह की 29 तारीख को। और साथियों, मार्च का महीना है तो अप्रैल में बहुत से कार्यक्रम आयोजन होने हैं और साथ ही साथ नवीन नामांकन से संबंधित भी बहुत से एजेंडा बिंदु हैं। तो आइए देखते हैं इस अवलेखीकरण के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं को। सेवा में समस्त अभिभावकगण, आज दिनांक 28/3/2023 दिन मंगलवार को आपको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को एक महत्वपूर्ण मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अतः बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार हैं। साथियों, पहले हम अवलेखीकरण मात्र एक पृष्ठ पे किया करते थे बैठक पंजिका के, परंतु एजेंडा बिंदु लिखने में काफ़ी समस्या रहती थी और राइटिंग भी बहुत छोटा हो जाता था। इस अवलेखीकरण में हमने दोनों पृष्ठ आमने सामने के लिए हैं इस बैठक का अवलेखीकरण करने के लिए। तो देखिए, पहला एजेंडा बिंदु है शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु डीबीटी की तैयारियों के संबंध में, और दूसरा एजेंडा बिंदु संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान, तीसरा है स्कूल चलो अभियान, और चौथा है परीक्षा फल वितरण समारोह, पांचवा है नवीन प्रवेश नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज, अर्थात अभिभावकों को ये बता देना है कि अगर नवीन नामांकन अपने किसी बच्चे का कराना है तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको पहले से तैयार करने हैं। छठा बिंदु है 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चहक अभियान अभिभावक जागरूकता, ये चलेगा। और सातवां बिंदु है बच्चों की उपस्थिति, यूनिफॉर्म, ठहराव, नामांकन आदि, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन समस्त बिंदुओं पर। और आठवां बिंदु है आंगनबाड़ी बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के संबंध में, बिना आधार कार्ड के नामांकन ऑनलाइन करना बहुत ही मुश्किल है या असंभव है। आगे देखिए, यहाँ से बैठक का कार्यवृत्त है। बैठक में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों की बैठक अलग अलग कक्षा के छात्र छात्राओं के कक्षा शिक्षकों ने अलग अलग कक्षा कक्ष में आयोजित की, जैसा कि हमेशा ही करते हैं। हर क्लास के कक्षा शिक्षक ने या क्लास टीचर ने अपने बच्चों के अभिभावकों को अपनी ही क्लास में बुलाया और बैठक का आयोजन किया। यानी हर क्लास में अभिभावक बैठेंगे और वहीं पर बैठक का आयोजन होगा। सामूहिक रूप से प्रधानाचार्य के नेतृत्व में या निर्देशन में इस बैठक का आयोजन नहीं होगा। प्रधानाचार्य के निर्देशन में बैठक का आयोजन तो होगा, परंतु कक्षा वार यानी क्लास वाइज। तो अब आप आगे बढ़िए, बैठक में जो एजेंडा बिंदु हैं पूर्व में प्रेषित कर दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार चर्चा निम्न प्रकार से होती है। आयोजित की गई जिसमें पूर्व में प्रेषित एजेंडा अनुसार निम्न क्रम से चर्चा हुई। पहला, शिक्षिका ने सभी अभिभावक को बताया कि इस सत्र में अप्रैल माह में ही डीबीटी की प्रथम चरण की धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। अतः यदि अब तक किसी का आधार खाता से लिंक न हुआ हो तो यथाशीघ्र करवाइए, ताकि 100% बच्चे डीबीटी का लाभ उठा सकें। पहले की तरह नहीं, बहुत से बच्चों को अब तक डीबीटी का लाभ नहीं मिला है, अर्थात उनके खाते में पैसे 1200 रुपये की धनराशि प्रेषित न हो सकी, उनके अभिभावकों के खाता जो है वो आधार से लिंक न होने के कारण।
आगे देखते हैं दूसरा बिंदु। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक संचारी रोग, यानी पूरा एक माह संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान, विद्यालय में बहुत से कार्यक्रम तिथिवार आयोजित किए जाएंगे। एक बहुत बड़ी समय सारणी दी गई है, शासनादेश आया है कि पूरे माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को किस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग चलाना है, तो इसके बारे में अभिभावकों को जानकारी देना है एवं अभिभावकों को संचारी रोग से बचाव हेतु जागरूक किया जाएगा। अतः आप सभी बढ़ चढ़ कर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें, ऐसा अभिभावकों को बोला गया हर एक बैठक में, हर एक कक्षा कक्ष की बैठक में। और तीसरा एजेंडा बिंदु है 1 अप्रैल 2023 से नवीन सत्र का आरंभ है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन इस माह में कराने का कष्ट करें। पांचवा बिंदु है चहक कार्यक्रम का आयोजन। चहक कार्यक्रम का आयोजन 1 अप्रैल 2023 से 9 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा, अतः आप सभी लोग प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से ये मार्च माह के अभिभावक शिक्षक बैठक का अभिलेखीकरण है, और इस साइड में ये कॉलम बने हुए हैं, तो इस पंजिका में ही हम अभिभावकों के हस्ताक्षर कराएंगे, क्योंकि हमने 2 पृष्ठ इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, तो इसी रजिस्टर को हम अभिभावकों के साइन मतलब क्लास वाइज करवाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्लास टीचर के नाम लिखे हुए हैं और उनके पद लिखे हुए हैं, इसके नीचे कक्षा एक के अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ इस इतने कॉलम में होने हैं, और यहाँ तक आगे देखिए कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इस तरह से क्लास लिखे हुए हैं। यदि स्पेस कम पड़ता है तो शिक्षक अपनी शिक्षक डायरी में साइन करवाएंगे। तो साथियों, आपको हमारा ये अवलेखीकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक बार पुनः आपको याद दिला दें कि इस अवलेखीकरण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।